friends, today our topic is genital prolapse in pregnancy. So genital prolapse in pregnancy is most common gynecological disorders है, condition है, जिसमें क्या होता है कि जो pelvic organs हैं, जैसे uterus, rectum या फिर जो urinary bladder है, वो प्रेगनेंसी के दौरान स्लिप डाउन हो जाते हैं, मतलब नीचे की ओर अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन से नीचे की ओर थोड़ा खिसक जाते हैं अपनी जगह से, ठीक है, तो स्लिप डाउन हो जाते हैं, ठीक है, और जो यूट्रस है वो भी वेजाइना में प्रोट्रूड हो जाता है, ठीक है, तो इसकी इंसिडेंस रेट क्या होती है, वन मतलब टू 50 प्रेगनेंसी में, वन प्रेगनेंसी में ये हो सकता है ये कंडीशन, ठीक है, तो जो ब्लैडर जो प्रोट्रूड होता है, जो स्लिप डाउन होता है, उसको सिस्टोसील बोलते हैं, ठीक है, सिस्टोसील बोलते हैं, और जो रेक्टम स्लिप डाउन होता है उसको रेक्टोसील बोलते हैं। सिस्टोसील और रेक्टोसील, ठीक है, अभी इमेज देखेंगे आप इमेज इसकी, और उसके बाद जो यूटेराइन प्रोलेप्स है वो दो तरह से होता है, तो कंप्लीट होगा या इनकम्प्लीट होगा, तो कंप्लीट इनकम्प्लीट में क्या होता है, जो वेजाइना है उसके अंदर पार्शियली यूट्रस आएगा, ठीक है, वेजाइना जो कैनाल है उसके अंदर पार्शियली यूट्रस डिस्प्लेस होगा, लेकिन कंप्लीट में क्या होता है कि जो यूट्रस होता है वो कंप्लीटली प्रोट्रूड हो जाता है, वेजाइनल ओपनिंग तक कंप्लीटली प्रोट्रूड हो जाता है यूट्रस, ठीक है, तो इसको ग्रेड या फिर इसकी सीवियरिटी के आधार पर ग्रेडिंग दी जाती है, स्टेजेस में इसको बांटा गया है, तो चार स्टेज में इसको बांटा गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जो यूट्रस होता है वो अपर सर्विक्स तक डिसेंड हो जाता है, ठीक है, अभी आप इमेज में देखना, तो उसमें अपर सर्विक्स तक यूट्रस डिसेंड हो जाता है, और सेकेंड ग्रेड सेकेंड है उसमें क्या होता है, जो यूट्रस होता है वो इंट्रोडस तक डिसेंड होता है, मतलब जो वेजाइनल कैनाल है उस तक डिसेंड हो जाता है यूट्रस, और ग्रेड थर्ड में क्या होता है, जो सर्विक्स होती है वो जो वेजाइनल कैनाल है वहाँ तक आ जाती है, मतलब वेजाइनल कैनाल तक वो आउटसाइड द वेजाइनल कैनाल, सर्विक्स आउटसाइड द वेजाइनल कैनाल तक आ जाती है थर्ड ग्रेड में, और फोर्थ ग्रेड में क्या होता है, जो सर्विक्स एंड यूट्रस दोनों ही वेजाइनल ओपनिंग से बाहर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, तो इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं जेनिटल प्रोलैप्स के, तो इसमें कॉजेज़ होंगे जो इन ऑर्गन को जो सपोर्टिव करने वाले अदर ऑर्गन हैं, जैसे लिगामेंट्स हैं और जो भी ऑर्गन हैं उनमें वीकनेस हो जाना, ठीक है, तो उनके स्ट्रक्चर में वीकनेस हो जाना, ठीक है, या फिर जो प्रीवियस जो लेबर हुआ है वो डिफ़िकल्ट हुआ हो, या फिर उसमें ट्रोमा हुआ हो ड्यूरिंग लेबर, और डिलीवरी ऑफ लार्ज बेबी की डिलीवरी हुई हो, या फिर पेशेंट ओवरवेट हो, ओबेज हो, या फिर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन हो उसमें, ठीक है, और या फिर स्टैंडिंग बाउल मूवमेंट हो, स्ट्रेटिंग होगी उसमें बाउल मूवमेंट में, क्रोनिक कफ की कंडीशन हो, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक कफ है, सीवियर कफ हो रहा है उसको, या फिर रिपीटेड हैवी लिफ्टिंग भारी ऑब्जेक्ट का उठा रही हो बार बार में, ठीक है, तो ये सब कॉजेज हो सकते हैं जेनिटल प्रोलैप्स के, और अब इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, तो हमने कोर्स देखे, तो रिस्क फैक्टर क्या क्या होंगे, रिस्क फैक्टर में मल्टीपैरिटी या फिर ग्रैंड मल्टीपैरिटी वुमेन में हो सकता है, या फिर ओबेसिटी ओबेस वूमेन में हो सकता है, या फिर प्रीवियस पेल्विक सर्जरी हो रखी है उसके कोई, या फिर उसकी फैमिली हिस्ट्री हो, ठीक है।
ठीक है, फैमिली हिस्ट्री में कोई वीकनेस हो, कनेक्टिव टिश्यू की वीकनेस हो फैमिली हिस्ट्री में भी किसी के, तो ये सब रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, और जो प्रेगनेंसी है उसके अंदर फर्स्ट डिग्री अगर प्रोलैप्स है यूट्रस का, अगर फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स के साथ में सिस्टोसिल और रेक्टोसिल दोनों प्रेजेंट है तो ऐसी प्रेगनेंसी हो सकती है कंटिन्यू। ठीक है, तो ये नॉट अनकॉमन नहीं है, ये कंटिन्यू हो भी सकती है। और अगर प्रेगनेंसी सेकेंड डिग्री है तो सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स के साथ में अगर प्रेगनेंसी, तो ऐसी प्रेगनेंसी मेनली अनकॉमन होती है। ठीक है, और थर्ड डिग्री के साथ में या फोर्थ डिग्री के साथ में प्रेगनेंसी बहुत रेयर कंडीशन में होती है। ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है प्रोलैप्स पे, इफेक्ट ऑन प्रोलैप्स, तो जो प्रोलैप्स हो रहा है ऑर्गन उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है कि जो प्रेगनेंसी की वजह से हाइपरट्रॉफी या फिर इडिमा हो जाएगा सर्विस का। ठीक है, तो प्रेगनेंसी की वजह से सर्विस हाइपरट्रॉफी और इडिमा हो जाएगा। ठीक है, जो कि क्या हो सकता है, जो भी प्रोट्यूजन हो रहा है, जो भी जेनिटल प्रोलैप्स हो रहा है, उस कंडीशन को और भी ज़्यादा बिगाड़ सकता है। ठीक है, ख़राब कर सकता है उस कंडीशन को। ठीक है, और जो अर्ली प्रेगनेंसी है वो हो सकता है अनअफेक्टेड हो जाए, अनअफेक्टेड अर्ली प्रेगनेंसी, लेकिन जब प्रेगनेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी, यूट्रस का वेट बढ़ेगा, बेबी वेट बढ़ेगा, तो उस वजह से ये कंडीशन ज़्यादा सीवियर हो सकती है। ठीक है, और क्योंकि वेट उसका जो भी प्रोलैप्स है वो सीवियर कंडीशन में आ सकता है, हो सकता है सेकेंड से थर्ड ग्रेड में हो जाए या थर्ड से फोर्थ ग्रेड में भी वो जा सकता है, क्योंकि वेट बढ़ रहा है यूट्रस का और साथ में वास्कुलरिटी भी बढ़ रही है वहाँ पे। ठीक है, और जो प्रोलैप्स पार्ट है, जो जेनिटल प्रोलैप्स पार्ट है उसके अल्सर भी हो सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण, क्लोथ का फ्रिक्शन होता है बार बार में उस जगह पे, तो उस फ्रिक्शन के कारण वहाँ पे अल्सर भी बन सकते हैं। ठीक है, और वहाँ से ब्लडी वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है अल्सर से। ठीक है, तो ब्लडी स्टैंड वेजाइनल डिस्चार्ज होगा वहाँ से। ठीक है, और जो इनकार्सरेशन के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि यूट्रस थोड़ा लो, अपनी जगह से थोड़ा लो पोजीशन में है, तो उस कंडीशन क्या होता है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ेगी तो यूट्रस क्या होगा कि सिम्फाइसिस प्यूबिस और सेक्रल प्रोमेंट्री के बीच में ट्रैप्ड हो जाएगा, तो उस वजह से ये इनकार्सरेशन की कंडीशन होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यूट्रस जो होता है वो राइज होने में, मतलब उसको जो यूट्रस जैसे बढ़ेगा, प्रेगनेंसी बढ़ेगी तो यूट्रस राइज होता है एब्डोमेन में, तो वो राइज होने में फेल हो जाएगा, मतलब जो ऊपर की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो ये मेनली सेकेंड ट्राइमेस्टर में ऐसी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, और इसके अलावा और क्या हो सकता है, जैसे कि ब्लैडर और ब्लैडर का डिस्टेंशन हो सकता है, यूरिन रिटेंशन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ब्लैडर पे भी इस पर जो है वो इफेक्ट पड़ेगा। अब इफेक्ट ऑन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी पे क्या इफेक्ट होगा, प्रेगनेंसी पे इसका इफेक्ट हो सकता है कि अगर माइल्ड प्रोलैप्स है तो उसमें हो सकता है कोई इफेक्ट ना हो, लेकिन अगर मोर सीवियर प्रोलैप्स है, सेकेंड थर्ड फोर्थ तक डिग्री का प्रोलैप्स है, तो उसमें इफेक्ट पड़ सकता है प्रेगनेंसी पे, तो अबॉर्शन के चांसेस हो सकते हैं इसमें। ठीक है, और डिसकम्फर्ट हो सकता है वुमन को। ठीक है, और प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है, कोरियोएम्युनाइटिस हो सकता है। ठीक है, और ये सब कंडीशन हो सकती है प्रेगनेंसी के दौरान। अब लेबर के दौरान क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑन लेबर, तो लेबर के दौरान क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि इंक्रीज चांस ऑफ अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, तो जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है उसका अर्ली रप्चर हो सकता है। ठीक है, उसकी वजह से प्रीमेच्योर लेबर हो सकता है। ठीक है, और
सर्वाइकल डिस्टोशिया हो सकता है और प्रोलॉन्ग लेबर भी हो सकता है, क्योंकि जो सर्विक्स है वो उसके डायलिटेशन में प्रॉब्लम होगी, प्रॉपर डायलिट नहीं हो पाएगी, तो उस वजह से प्रोलॉन्ग लेबर भी हो सकता है, ठीक है। और जो सिस्टोसील है या रेक्टोसील है वो भी ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे लेबर में, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में सर्जिकल इंटरवेंशन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ठीक है। तो अब और परप्यूरियम पे इसका क्या इफेक्ट होगा, ड्यूरिंग परप्यूरियल पीरियड परप्यूरियल सेप्सिस हो सकता है इसमें, परप्यूरियल सेप्सिस हो सकता है प्रोलैप्स की वजह से, सब इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस हो सकता है, यूटेराइन सेप्सिस हो सकता है और यूटीआई भी इसमें हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इसमें देखने को मिलता है। और अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे, जेनाइटल प्रोलैप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है वुमेन को, ठीक है, और बैकएक हो सकता है या फिर जो ड्रैगिंग सेंसेशन उसको हो सकता है, जैसे मतलब कुछ खिंचाव हो रहा हो, ठीक है, कुछ उसके लोअर पार्ट वेजाइना के लोअर पार्ट में उसको खिंचाव जैसा लगेगा, ड्रैगिंग सेंसेशन हो सकता है, ठीक है। स्ट्रेस यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, या फिर जो रेक्टोसील है उसके वजह से कॉन्स्टिपेशन या फिर डिफिकेशन में डिफ़िकल्टी हो सकती है, ठीक है। और अगर रेक्टोसील की कंडीशन है तो उसमें रिटेंशन ऑफ यूरिन हो सकता है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी मिक्चुरेशन हो सकता है, तो ये सब कंडीशन हो सकती है। और मैकेनिकल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, तो जो फ्रिक्शन जो प्रोलैप्स पार्ट है उस पर फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि क्लोथ का वहाँ पर फ्रिक्शन होगा उस पार्ट पर, ठीक है, तो बार बार क्लोथ वहाँ पर टच होंगे उस पार्ट पर, जो मास वो आउटसाइड हुआ है तो उस पर बार बार क्लोथ का फ्रिक्शन होगा, तो उस वजह से वुमेन को डिस्कम्फर्ट होगा, ठीक है, तो वो मैकेनिकल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, ठीक है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो नॉर्मल इंस्पेक्शन करके हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन हमें हमको दिख जाएगा रेक्टोसील है कि सिस्टोसील है, यूटेराइन प्रोलैप्स है कि क्या है, वो सब हमको दिख जाएगा, और प्रेगनेंसी के जो साइन है वो भी हमको दिख जाएंगे, ठीक है। अब इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं इस कंडीशन से, तो प्रिवेंट करने के लिए वुमेन को हैवी लिफ्टिंग से अवॉइड करना चाहिए कि वो भारी कुछ भी सामान नहीं उठाएं, ठीक है, और कीगल एक्सरसाइज करें रेगुलरली, ठीक है। तो कीगल एक्सरसाइज कैसे करते हैं कि यूरिन को होल्ड करना है, यूरिनेट करना है, फिर होल्ड करना है, फिर यूरिनेट करना है, जिससे कि मसल्स में स्ट्रेचिंग आती है, ठीक है। और कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करें, कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करें, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसको टाइमली ट्रीट करें। और उसके बाद में जो कंट्रोल कफिंग, अगर प्रोलॉन्ग उसको कफ है, कफिंग की कंडीशन है, तो उसको भी टाइमली ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। तो और वेट गेन, जो वेट गेन हो रहा है, ओबेस पेशेंट है, तो उसको अपना वेट कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, तो ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट डिग्री अगर प्रोलैप्स है, ठीक है, और उसके साथ में थोड़ा बहुत अगर माइल्ड सिस्टोसील या रेक्टोसील है, तो उसमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। और अगर सेकेंड डिग्री का या फिर थर्ड डिग्री का प्रोलैप्स है, तो उसमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, तो वो मैनेज करना ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी में, ठीक है। तो सेकेंड या थर्ड डिग्री के मैनेजमेंट के लिए जो रिंग पेसरी है उसका यूज कर सकते हैं सर्विस पे, ठीक है। तो रिंग पेसरी से हम मैनेज करेंगे, ठीक है, प्रोलैप्स को, और रिंग पेसरी से अगर मैनेज हो जाता है तो 18 से 20 वीक के बाद में हम पेसरी को रिमूव कर देंगे, क्योंकि उसके बाद में यूट्रस अपने आप ऊपर की तरफ ग्रो करने लग जाता है, तो 18 से 20 वीक पे हम पेसरी को रिमूव कर देंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर सर्विस पे इडिमा या
कंजेशन है सर्विक्स पे, या फिर जो प्रोलॉन्ग मास प्रोलैप्स मास है, जो भी मास जो प्रोलैप्स हुआ है उस पे इडिमा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ग्लिसरीन या फिर एक्रीफ्लेविन का पैक उस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से वो इडिमा रिलीफ हो जाएगा, क्योंकि वो जो ये एक्रोफेन और ग्लिसरीन है वो हाइग्रोस्कोपिक एक्शन करते हैं, जिसमें क्या होता है कि ये जो एक्स्ट्रा वहाँ पे टिश्यूज में जो एक्स्ट्रा फ्लूड है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो मास है, जो मास जो यूट्रस अगर थोड़ा बाहर आ रखा है तो उसको हम वेजाइना के अंदर इंसर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वो जो प्रोलैप्स है वो करेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, रिड्यूस नहीं हो रहा है, या फिर रिंग पेसरी भी यूज़फुल नहीं है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जाता है, ठीक है। और हॉस्पिटलाइज करने के बाद में जो वेजाइनल ओपनिंग है उसको क्लोज किया जाता है, ठीक है, जिससे कि वो ज़्यादा सीवियर कंडीशन ना हो, ज़्यादा प्रोलैप्स ना हो यूट्रस का, तो वेजाइना को क्लोज कर दिया जाता है और ओपनिंग वापस इसकी कब खोली जाती है, 38 वीक पे इसको वापस रीओपन किया जाता है, क्योंकि उस समय डिलीवरी का टाइम हो रहा है तो उस समय वापस रीओपन किया जाता है, ठीक है। और जो पेशेंट अगर पेशेंट को रेस्ट देना है प्रॉपर, और फुट एंड को अप रखना है, ठीक है। और ड्यूरिंग लेबर इसका क्या मैनेजमेंट करेंगे हम, कि जो प्रीमेच्योर रप्चर मतलब मेम्ब्रेन को प्रीमेच्योरली रप्चर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो पहले देखेंगे कि सर्विक्स की कंडीशन क्या है, ठीक है। तो और अगर सर्विक्स अगर प्रोलैप्स हो रही है वेजाइना में तो फुट वही फुट एंड उसका अप रखेंगे, ठीक है। तो और मतलब उसको प्रॉपर फुट एंड वो अपर रखेंगे, जिसकी वजह से वो ज़्यादा प्रोलैप्स ना हो नीचे की तरफ, ठीक है। और जो एक्रोफ्लेविन जो मेडिसिन थी और ग्लिसरीन वो अप्लाई करेंगे वेजाइना में, उसका पैक अप्लाई करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो इडिमा को तो रिलीफ करेगी, साथ में सर्विस के डायलेटेशन में भी हेल्प करेगा, ठीक है। और उसके बाद में प्रोफाइलेक्सिस एंटीबायोटिक दे सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं ना वहाँ पे, क्योंकि ऑर्गन पूरा बाहर आ रहा है तो उस वजह से इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, तो प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है। और जो सर्विस है उसकी मैनुअल स्ट्रेचिंग भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनुअल स्ट्रेचिंग की जाती है सर्विस की, ठीक है। और जो सिस्टोसील है रेक्टोसील है उसको पुशअप किया जाता है, उसको ऊपर की तरफ पुशअप किया जाता है, ठीक है, ताकि जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसके ऊपर की तरफ वो चला जाए और हेड को डिसेंट होने में हेड की डिसेंट है वो प्रोग्रेसिव हो जाए, ठीक है, ताकि डिलीवरी इजीली हो जाए। और जो ड्यूरिंग डिसेंट ऑफ हेड के डिसेंट के दौरान सर्विक्स है वो सर्विक्स को थोड़ा पुश किया जाता है, उसकी स्ट्रेचिंग की जाती है कॉन्ट्रेक्शन के दौरान, ठीक है, ताकि वो थोड़ा उसमें वो सर्विक्स है वो डायलेट हो सके, ठीक है। और अगर सर्विक्स ओपन नहीं है और हेड बेबी का हेड नीचे की तरफ आ रहा है और सर्विक्स ओपन नहीं है लेकिन थिन हो चुकी है सर्विक्स बट ओपन नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि दहिसंस इंसिजर लगाते हैं सर्विक्स पे। इंसिजन लगाया जाता है सर्विक्स में, जैसे ये सर्विक्स है तो इसके 10 o'clock एंड मतलब वॉच के 10 o'clock
स्टोक लोग पे के उस पे सर्विक्स पे इंसिजन लगाते हैं, ठीक है, ताकि सर्विक्स ओपन हो सके और बेबी की डिलीवरी इजीली हो सके, ठीक है। और इसके साथ साथ इंसिजन लगाने के बाद में वेंटोस का या फिर वैक्यूम फोर्सेप डिलीवरी या फिर वेंटोस का भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर जो हेड है बेबी का वो डिसेंट नहीं हो रहा है अभी, ठीक है, और सर्विक्स भी अभी ठीक है, थिन नहीं हुई है, अगर क्लोज है सर्विक्स और हेड भी अभी डिसेंट नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में हम सिजेरियन सेक्शन भी कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन किया जाता है, ठीक है। अब परप्यूरल पीरियड में क्या कंडीशन करेंगे, तो परप्यूरल पीरियड में पेशेंट को कम्प्लीटली बेड रेस्ट देना है, और अगर प्रोलैप्स अभी भी है, यूट्रस का अगर प्रोलैप्स हो रहा है, तो उसको बाद में हम मैनेज करेंगे, उसकी सर्जरी करनी है, वो क्या है, अगर वो बाद में मैनेज किया जाता है, ठीक है, और उसको टेम्परेरी मैनेजमेंट के लिए ग्लिसरीन का वहाँ पे गोज लगा सकते हैं, एक्रोफ्लेविन का गोज वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और प्रोफाइलेक्सिस एंटीबायोटिक देंगे पेशेंट को, ठीक है। तो ये सब हम मैनेजमेंट करेंगे जनरेटर प्रोलैप्स एंड प्रेगनेंसी का। Thank you.